आज हम बनाने जा रहे हैं भरमा शिमला मिर्च। भरमा शिमला मिर्च बनाने के लिए हमें चाहिए आलू उबले हुए। हमें कितनी क्वांटिटी थी आलू की? 5 आलू थे, बड़े बड़े 5 आलू लिए थे जो उबाल रखे थे। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मसाले चाहिए होंगे। प्याज, कितनी बड़ी प्याज? मीडियम साइज की प्याज। 4 बड़े शिमला मिर्च। हरी मिर्ची की हमने स्वाद अनुसार ली है। फिर हमारे पास है हींग और जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये भी स्वाद अनुसार है। अगर आप ये ले रहे हैं तो ये कम कर सकते हैं, अगर ये ज्यादा ले रहे हैं तो ये कम कर सकते हैं, और नमक वो भी स्वाद अनुसार है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हमने डाल रखा सरसों का तेल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, विच इज मस्टर्ड ऑयल। सो इट्स अप टू यू कि आप अपना ऑलिव ऑयल लेना चाहते हैं, मस्टर्ड ऑयल लेना चाहते हैं। तो ये मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल रखा है। इसके अंदर कितना लिया है, कितनी क्वांटिटी थी इसकी? सर्विंग स्पून ली थी। तो ये भी कम ज्यादा कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स कि वैसे क्या होगा इसके अंदर, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आपको कम लगता है तो आप कम रख सकते हैं, ज्यादा लगता है तो ज्यादा रखना। वैसे सर्विंग स्पून इसके लिए अप्रोप्रिएट रहती है। सो अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे हींग और जीरा। इसके बाद डालेंगे हरा धनिया पाउडर,
लाल मिर्ची पाउडर, ये भी स्वाद अनुसार है। इसको अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ डाला हमने नमक, अब इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। अब हमने यहाँ पे डाले हमारे उबले हुए आलू। और इसको अच्छे से मिलाया। हमारे आलू बन चुके हैं, अब उस आलू को हमें शिमला मिर्च के अंदर भरना है। शिमला मिर्च के अंदर आलू हमें अच्छे से भरना है, दबा दबा के अंदर तक। शिमला मिर्च के अंदर अपने आलू भर लिए हैं और बचे हुए आलू हमने यहाँ पे रखा है। इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं जब हम सब्जी बनाते हैं। हमने शिमला मिर्च के अंदर अपने आलू भर लिए और ये कुछ इस तरीके से नजर आएंगे आपको। इसके बाद हमारे जो बचे हुए आलू होंगे इसको हम साइड में रख देंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे जब हमारी सब्जी बनेगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। फिर से हम तेल ले रहे हैं यहाँ पे, एक सर्विंग स्पून, दो सर्विंग स्पून तेल।
शिमला मिर्च डालने के बाद हम उसको ढक देंगे। बनके तैयार हो चुकी है शिमला मिर्च। हमारे बर्मा शिमला मिर्च और आलू बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर रेसिपी। टिल देन आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।